भाई सुन लो, ये मान सम्मान में देनी इस पगड़ी की तरह रखे, जिन जगह का मान सम्मान रखते विजय बना के भेज। हरियाणा देख रहा है सारे भाइयों ने दिनेश सोने के होंडा मोदी का जिला गांव में आज कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के भाई वजीर गांगोली का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सरपंच एसोसिएशन जींद के पूर्व प्रधान राजेश गोयल पहुंचे। उनकी अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम को लेकर राजेश जयजवंती और वजीर गांगोली ने क्या कहा, समस्त जानकारी आपको देंगे। आप देख सकते हैं ग्रामीणों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया है। गांव जो बोला पहुंचने पर क्या कहते हैं राजेश जयवंती? देखो ब्रह्मचारी जी है जो हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जिसका कोई विरोध नहीं। उनका हमारे जींद के साथ बड़ा वो है कि वो जींद के हमने हमेशा सोनीपत जिले को वोट दी। आज हम सोनीपत जिले से भी वोट मांगते हैं, भाई तारे छोटे भाई हमने भी वोट दो, तेरे तो हमारा भी नंबर पड़ दो। सबसे गर्व की बात यह है कि 36 बिरादरी के रहता है, वहाँ पे धर्मशाला है, हरिद्वार में कभी जाओ तो किसी आदमी से चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है कोई पैसा नहीं है। और उसके साथ साथ मस्त हमारे पुराने साथी हैं, हमें इस चीज़ की भी बहुत मरोड़ है कि हमारे घर के परिवार के आदमी वहाँ पकड़ के काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तन मन से वोट दो और आज जो इस चौपाल के माध्यम से गरीब पहुंचा था एक बात तो है कि गरीब समाज है, 36 बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर, 36 बिरादरी कल कोई काम हो जाए तो आपको याद करेंगे, हमारे तो आप पे भरोसा। धन्यवाद। ये मान सम्मान जिन जगह का मान सम्मान रखते विजय बना के भेज दो आपके हाथ में। ये मान सम्मान नेता जी तो मोहल्लावासियों जो प्यार दिया है उसको देखकर क्या कहेंगे भाई? मोहल्लावासियों का मान सम्मान देखो, जमोलावासियों जो आपको मान सम्मान दिया भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे क्या कहेंगे भाई? जमोलावासियों के द्वारा दिए गए सतपाल ब्रह्मचारी जी को जो समर्थन दिया है उस समर्थन को आने वाले समय में मान सम्मान के रूप में, गांव के विकास के रूप में, क्षेत्र के विकास के रूप में हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा और इस मान सम्मान को गौरव के साथ ऊपर रखेंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। देखिए आज चमोला गांव में सतपाल ब्रह्मचारी जी के भाई आए थे वजीर सिंह, उनके उस विषय में हमारे जो एक गरीब समाज के भाई थे 36 बिरादरी के भाई, इनने एक संदेश देना था जनता को कि लोग इनके साथ तो चाट चाट, ये हमारे जो गरीब भाई है ये सभ्यता 36 बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण भाई दलित टोपी हर बिरादरी के, ये लोग कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उन लोगों का बहम है कि बीजेपी के साथ हैं, ये सभी लोग कांग्रेस के साथ। दो ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में किस तरह देखते हैं इसको? दो ब्राह्मण कैंडिडेट आमने सामने हैं। देखिए हम कास्टिज्म को नहीं मानते, हम 36 बिरादरी को मानते हैं। जो सतपाल ब्रह्मचारी है वो एक अच्छे इंसान है, और रही बात मोहनलाल बड़ोली की, एक मनोहर लाल बड़ोली से, मनोहर लाल खट्टर से तो मुश्किल से गला चुका, इन लालों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। एक और बात चलिए जी, मोदी की गारंटी तो सतपाल ब्रह्मचारी की गारंटी क्या रहेगी? सतपाल ब्रह्मचारी एक सन्यासी आदमी आए, शुरू से ही हमेशा सेवा में रहे हैं और सेवा करेंगे। जो सन्यासी आदमी है वो सेवक आदमी है, बड़ोली जी कुछ नहीं है, एक भैरवीय है, राय हल्के में उनका विरोध है। प्रधान जी पगड़ी का सम्मान अक्सर जो बाहर जाता है उसको दिया जाता है, आज आपने ग्रामीणों को पगड़ी पहना कर सम्मान दिया, ऐसा क्यों? ये सम्मान बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है, आने वाले के लिए कोई विशेष नहीं है, ये तो अपने अंदर होता है मान सम्मान देना, और ये टिकट ये इनकी अपनी है, मैं इनको इस टिकट की बधाई देने आया हूँ, इसलिए मैंने मान सम्मान जमोला ग्रामीण वासियों को दिया। सर एक की थी आपने तो सतपाल ब्रह्मचारी की पब्लिक के लिए गारंटी क्या रही? सतपाल ब्रह्मचारी जी की गारंटी ये है सोनीपत लोकसभा का विकास,
पूरे हिंदुस्तान में सबसे अग्रिम पंक्ति में विकास होगा, ये सतपाल ब्रह्मचारी जी की गारंटी है। 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहेगा, ये सतपाल ब्रह्मचारी जी की गारंटी है। 36 बिरादरी का पूरे मान सम्मान के साथ हमेशा एक साथ रखा जाएगा और विकास के मामले में पूरे लोकसभा क्षेत्र को कहीं भी भेदभाव नहीं होगा और आगे बढ़ चढ़ करके काम किया जाएगा, ये सतपाल ब्रह्मचारी जी की गारंटी है। सतपाल ब्रह्मचारी जी का DNA, सतपाल ब्रह्मचारी जी का खून केवल और केवल समाज सेवा है, क्षेत्र का विकास है, अपने 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ में लेकर के चलना, ये उनकी गारंटी है।